हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल ई लर्निंग कोर्सेस। सो दिस इज़ आवर लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ फिशरीज। आई होप आपने इसके पहले के सभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स देख लिए होंगे, एंड अगर नहीं देखे तो प्लीज़ चेक आउट आवर प्लेलिस्ट। नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू फिशरीज, लेक्चर 05। तो देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैटफिशेस क्या होती हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कैटफिशेस के। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ब्रैकिश वाटर फिशेस के, ब्रैकिश वाटर क्या होता है ये देखेंगे। फिर हम मरीन फिशेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और एंड में ऑर्नामेंटल फिशेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो यस, कैटफिशेस। सबसे पहली बात, कैटफिशेस कार्निवोर्स होती है, दे फीड्स ऑन अदर फिशेस। एंड कैटफिशेस को भी कल्चर किया जाता है, जैसे हम कार्प्स को कल्चर करते हैं वैसे ही कैटफिशेस को भी कल्चर करते हैं। ओके, कैटफिशेस हैव डोमिनेंट एंड लार्ज बाबस। ठीक है, हमने कार्प्स में देखा था वहाँ पे डोमिनेंट बाबस नहीं थे, वहाँ पे रूडिमेंट्री बाबस थे, बट कैटफिशेस में डोमिनेंट बाबस रहता है। देखिए यहाँ पे इस इमेज में ये कैटफिश है एंड इसके बार्बल्स यहाँ पे विजिबल है। ओके, कैटफिशेस शोज एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अदर देन गिल्स। गिल्स के अलावा भी उनके पास कुछ दूसरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं। दे हैव एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बाई विच दे कैन ऑल्सो टेक एरियल ऑक्सीजन विथ डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, गिल्स के हेल्प से वो वाटर में का डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, बट कैटफिशेस के पास कुछ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी रहते हैं जिसकी मदद से वो एयर में का भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। ओके, सो दे कैन सर्वाइव नियरली 6 आवर्स विदाउट वाटर। तो एयर का ऑक्सीजन वो लेके भी बिना पानी के भी 6 घंटे तक अलाइव रह सकते हैं कैटफिशेस। ओके, दिस आर द कैटफिशेस, लुक इट इज कार्निवोर, द कैटफिश इज फीडिंग ऑन अदर फिश। ओके, दिस वन इज ऑल्सो ऑल्सो द सेम, लुक द बार्बल्स आर क्लियरली विजिबल हियर, दिस वन इज ऑल्सो कैटफिश, नाइस पिक्चर। सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कैटफिशेस। फर्स्ट वन इज हेटरोप्नेस्टस फॉसिलिस, कॉमन नेम इज सिंगी, इट इज ऑल्सो कैटफिश एंड इसे भी बहुत जगह पे एक्वेरियम में रखा जाता है। लुक द बार्बल्स। नेक्स्ट इज वैलागो अट्टू, ये फिश पहले भी डिस्कशन में आ चुकी है हमारे। ओके, दिस इज ऑल्सो मैसिव फिश, इन्हें फ्रेश वाटर शार्क कहा जाता है। क्यों कहते हैं फ्रेश वाटर शार्क, ये हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ओके, नेक्स्ट इज मिस्टर सिंगला, कॉमन नेम इज सिंघारा, इट इज ऑल्सो कैटफिश। नेक्स्ट इज रीटा रीटा, इट इज ऑल्सो कैटफिश। नेक्स्ट इज गारा मूलिया। ओके, गारा इज द जेनेरिक नेम एंड मूलिया इज स्पेसिफिक एपिटेट। ओके, दिस वन इज ऑल्सो द सेम, गारा मूलिया। नेक्स्ट इज गारा गोटीला गोटीला। ओके, द नेम इज यूनिक एंड जैसे इसका नाम अलग है वैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी इस फिश के अलग है। लुक यू कैन नोटिस हियर द माउथ ऑफ फिश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर माउथ्स। ओके, सो लेट्स सी द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गारा फिशेस। गारा फिशेस शोज हिल स्ट्रीम एडेप्टेशन। ओके, हिल स्ट्रीम एडेप्टेशन, वॉट इज हिल स्ट्रीम एडेप्टेशन? हिल स्ट्रीम एडेप्टेशन मीन्स द फिश कैन स्विम फ्रॉम डाउन टू अप, मीन्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। ओके, फॉर दिस दे डेवलप्ड अ सेक्टोरियल स्ट्रक्चर बिलो द माउथ। ठीक है, जो उनका माउथ डिफरेंट होता है वो इस सेक्टोरियल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्टोन सकल्स। ठीक है, क्या होता है, जैसे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है एंड दे आर सम स्टोन्स हियर। ओके, तो ये जो फिश है, गारा फिशेज जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। कैसे, ये जो स्टोन है वो स्टोन को सक करते करते, ओके, स्टोन को स्टिक होते होते वो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर भी चल सकती है।
नेक्स्ट इज क्लेरियस बत्राकस. ओके इट इज कैटफिश एंड ए वेरी कॉमन कैटफिश. इट्स कॉमन नेम इज माघुर. इट इज इंडिजिनस. इंडिजिनस मतलब इट बिलोंग्स नेटिवली टू इंडिया. रिक्वायर मोर टाइम टू ग्रो, देयरफॉर लेस अवेलेबल. ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ये ग्रो करने के लिए, इसलिए इसे ज़्यादा कल्चर नहीं किया जाता है. ओके बट यस इट हैव ग्रेट टेस्ट. ठीक है, कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं इसे. क्लेरियस बत्रैकस. नेक्स्ट इज क्लेरियस गैरियापिनस. ठीक है, इट इज थाई मागुर. ओके क्लेरियस बत्रैकस वॉज मागुर. इट इज थाई मागुर एंड इट इज एक्सॉटिक. अवर क्लेरियस बत्रैकस वॉज इंडिजिनस. इट इज मोर अवेलेबल. क्यों मोर अवेलेबल है इन मार्केट? बिकॉज इट रिक्वायर लेस टाइम टू ग्रो. ठीक है, ज्यादा इसे कल्चर किया जाता है क्योंकि इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू ग्रो. ठीक है, गैरियापिनस और बत्रैकस के कुछ मतलब डिफरेंस है बेसिक, वो देखेंगे. गैरियापिनस फीड्स ऑन बत्रैकस. अब क्या, गैरियापिनस जो है वो एक्सॉटिक फिश है. पहले सिर्फ बत्रैकस थी इंडियन रिवर्स में, बट गैरियापिनस को ह्यूमंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया इन इंडियन वाटर रिसोर्सेस. तो क्या हुआ, गैरियापिनस जो है वो बत्रैकस पे फीड करने लगे, इसलिए बत्रैकस का जो काउंट है वो बहुत कम होने लगा. ठीक है, नाउ एक्चुअली बत्रैकस इज अ 3 टन स्पीशीज. ठीक है, गैरियापिनस फीड्स ऑन बत्रैकस, देयरफॉर बत्रैकस इज नाउ अ 3 टन स्पीशीज. ठीक है, सो पीपल सेल थाई मागुर गैरियापिनस इन नेम ऑफ मागुर. ठीक है, अभी मार्केट में इसलिए बहुत रेयरली बत्रैकस मिलती है, बहुत रेयरली मागुर मिलती है, इसलिए मार्केट में पीपल मागुर के नाम से ही थाई मागुर को सेल करते हैं. अभी जो बहुत डीपली जिन्हें पता है फिशेस के बारे में वो तो नोटिस कर लेगा, बट नॉर्मल जो कंज्यूमर्स है फिशेस के उन्हें पता नहीं चलता, इसलिए सेलर्स क्या करते हैं, थाई मागुर को ही मागुर के नाम से उन्हें बेच देते हैं. ठीक है, क्लेरियस बत्रैकस हैव हाई क्वालिटी टेस्ट एंड मेडिसिनल वैल्यूज. क्लेरियस बत्रैकस की जो मेडिकल वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा है, मेडिसिनल वैल्यूज. ठीक है, तो अभी देखते हैं ब्रैकिश वाटर फिशेस. ठीक है, ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होता है, जहाँ पे सी वाटर और रिवर वाटर मिक्स होता है उस रीजन को ब्रैकिश वाटर कहते हैं. वहाँ का भी वाटर मोस्टली सॉल्टी ही रहता है. सो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स नियर अबाउट 20,000 माइल्स. ठीक है, सो ब्रैकिश वाटर में जो फिशेज रहती है दे आर लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स. बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक वो माइग्रेशन करती है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20,000 माइल्स अब तक. एंड योर रोहू कतला एंड मृगल आर लोकल माइग्रेंट्स विच माइग्रेट्स अप टू 1 to 2 किलोमीटर ऑनली. ओके सैलमन. सैलमन इज योर ब्रैकिश वाटर फिश. ओके इट माइग्रेट्स फ्रॉम सी टू रिवर. ओके इट इज सैलमन. तो ये बेसिकली माइग्रेशन क्यों करते हैं, फॉर लेइंग एग्स. ठीक है, जो उनके लार्वल स्टेज रहते हैं, लार्वल स्टेज में जब फिश रहती है तब उन्हें कुछ कंडीशंस चाहिए रहती है. ठीक है, कुछ कंडीशंस उनके लिए सुटेबल नहीं रहती है और कुछ उनको चाहिए रहती है. जैसे ये जो सैल्मन है ये सी टू रिवर माइग्रेट करती है. ठीक है, इस वजह से मतलब जो एडल्ट हैं, एडल्ट स्टेज में वो जो फिश है वो मतलब ब्रैकिश वाटर में सर्वाइव कर सकती है, बट या फिर सी वाटर में सर्वाइव कर सकती है, बट लार्वर स्टेज है उनकी. ठीक है, वो रिवर वाटर चाहिए रहते हैं, उनको सॉल्टी वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते. इसलिए ये फिश है जब इन्हें ब्रीडिंग पीरियड रहता है इनका, तभी रिवर की ओर माइग्रेट करती है, रिवर में एग्स ले करती है. वहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, फिर वहाँ पे लार्विस तैयार होते हैं, फिर लार्वी वापस से सी की ओर माइग्रेट करते हैं. नेक्स्ट इज एंगिला. एंगिला इट इज योर ईल. इट माइग्रेट्स फ्रॉम रिवर टू सी. ओके नेक्स्ट इज चैनस. चैनस इट इज मिल्क फिश. वाई इट इज मिल्क फिश, देख सकते हैं इनकी जो स्किन है एकदम वाइटिश है. ओके लाइक ए मिल्क, देयर फोर दे आर कॉल्ड मिल्क फिश. इट इज योर मिल्क फिश चैनस. चैनस अभी हम देखेंगे मरीन फिशेज ऑफ इंडिया. ओके बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिशेज देखेंगे इसमें. सबसे पहले इज पैरट फिश. ओके दिस वन इज योर पैरट फिश. इट इज ऑल्सो पैरट फिश एंड इट इज ओरिजिनल इमेज. इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ एनिमेशन.
इट इज ऑल्सो पैरट फिश. ओके ओके, इट इज व्हाइट पैरट फिश एंड इट इज रेड ब्लडेड पैरट फिश. नेक्स्ट इज सी हॉर्स. ओके, दीज आर ऑल्सो सी हॉर्स. नेक्स्ट आर पॉम्फ्रेट्स. नेक्स्ट आर सार्डिन्स. दिस इज कॉल्ड सार्डिन रन. ये सार्डिन्स क्या बहुत छोटी छोटी फिशेज रहती हैं एंड एक साथ ही चल जाती है जहाँ भी जाती है. तो ऐसे जब ये झुंड बना के जाती है तब तो इसे सार्डिन रन कहा जाता है. इट इज ऑल्सो द सेम. नेक्स्ट इज मैकरेल. ये फिश को भी बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग इसे. नेक्स्ट इज सैलमन. नेक्स्ट इज रेनबो ट्राउट. ओके, रेनबो ट्राउट क्यों कहते हैं इसे देख के समझ गया होगा आपको. नेक्स्ट इज पफर फिश. पफर फिश को ही ग्लोब फिश कहते हैं एंड इट इज पॉइजनस फिश. ओके, बट इसे भी कहीं ना कहीं एक्वेरियम में रखा जाता है. ओके, दिस इज ऑल्सो पफर फिश. दिस इज द सेम. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्नामेंटल फिशेस. ऑर्नामेंटल फिशेस मीन्स द फिशेस विच आर केप्ट इन एक्वेरियम, एक्वेरियम में जिन्हें रखा जाता है. ओके, सो फर्स्ट वन इज एंजल फिश. ओके, दीज आर योर एंजल फिश. ओके, एंजल फिशेस में भी बहुत अलग अलग टाइप के फिशेस रहते हैं. ब्लू रिंग एंजल फिश होती है, ड्वार्फ एंजल फिश होती है. ओके, कॉर्टेस एंजल फिश होते हैं. नेक्स्ट इज गोल्ड फिश. इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन फिश, बहुत फेमस फिश है एंड मोस्टली एक्वेरियम में इन्हें रखा जाता है, गोल्ड फिशेस को. ओके, तो द साइंटिफिक नेम इज करेशियस ओराटस. इट इज ऑल्सो योर गोल्ड फिश एंड ये एक स्पीशीज हो गई करेशियस ओराटस. स्पीशीज में भी गोल्ड फिश के बहुत सारे सब स्पीशीज रहते हैं एंड जैसे जैसे ये मतलब सब स्पीशीज बढ़ते जाते हैं इनमें भी बहुत डाइवर्सिफिकेशन होता है, बहुत अलग अलग काइंड के रहते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो द सेम गोल्ड फिश. नेक्स्ट इज एरोना. ओके, एरोना भी एक्वेरियम फिश है एंड इंडिया में बहुत ज्यादा रखते हैं इन्हें एरोनास को एक्वेरियम में लोग. एंड एक्चुअली एरोना बहुत ज्यादा कॉस्टली रहती है. ठीक है, एक मेल और एक फीमेल की जो पेयर है एरोना की वो लगभग 20,000 डॉलर्स की आती है. ग्रेट. एंड क्यों रखते हैं लोग इसे इतना ज़्यादा, क्योंकि कुछ तो ऐसा कहा जाता है जो चाइनीज वास्तुशास्त्र है, फ्रैंकस्टेन कहते हैं उसे, चाइनीज वास्तुशास्त्र को, वो उस के हिसाब से जो ये फिश है एरोना ये बहुत ज़्यादा पुण्य मानी जाती है. ओके, इसलिए इसे रखा जाता है. एंड वही एक रीजन है एक्चुअली, ये फिश बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी रहती है, बहुत ज्यादा शानदार लगती है देखने में. ओके, दिस इज सो योर सिल्वर एरोना एंड दिस इज गोल्डन एरोना. दिस इज योर गोल्डन एरोना, दिस इज रेड एरोना. ओके, दिस आर द सेम. दिस इज योर गोल्डन एरोना. नेक्स्ट इज बेटा फिश. ओके, बेटा इज अ जीनस. ओके, सो मोस्ट कॉमन दो स्पीशीज आती है इन्हें, बेटा स्प्लेंडिस और बेटा पिक्टा, एंड इन्हें फाइटिंग फिश कहा जाता है. व्हाई दे आर कॉल्ड फाइटिंग फिश? जैसे बहुत सारे रीजन में, कंट्रीज में आपको पता होगा बुल फाइट होती है. ओके, वैसे इन बेटा फिशेस के भी फाइटिंग की जाती है. ओके, बेटा मतलब इनके बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी टूर्नामेंट्स होते हैं. आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी इसके बारे में. एंड यस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फाइटिंग फिशेस.
और इन्हें एक्वेरियम में भी रखते हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं ये फिशेस। एंड एक्वेरियम में रखते हैं मतलब ऐसा नहीं बाकी स्पीशीज के साथ रख देंगे, ऐसा नहीं करते इन्हें। एज द नेम सजेस्ट दैट दे आर फाइटिंग फिशेस, तो इस वजह से बाकी फिशेस के साथ रखना सेफ नहीं होगा। ओके, दिस इज ब्लू बेटा फिश, दिस इज ऑल्सो द सेम। दिस इज व्हाइट व्हाइट बेटा फिश एंड दिस इज रेड वन। ओके, एंड बेटा फिशेज में जो रिप्रोडक्शन है या फिर जो यंग वन की केयर की जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे बाकी फिशेज या फिर कोई भी स्पीशीज में मोस्टली यंग वन की जो केयर है वो मोस्टली फीमेल्स लेते हैं करते हैं। बट बेटा फिश में एक्चुअली यंग वन की जो केयर है वो फादर करते हैं उनके। एंड उनकी जो प्रोसीजर है वो जो माइन्यूट माइन्यूट जो चीजें वो देखते हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल टू लर्न अबाउट। नेक्स्ट फिश इज पिराना। पिराना को भी एक्वेरियम में रखा जाता है। इस एक मूवी भी बनी है पिराना पे। नेक्स्ट इज ग्लास फिश, दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल फिशेस। दे आर एक्चुअली ट्रांसपेरेंट फिशेस, देयर फॉर दे आर कॉल्ड ग्लास फिशेस। दिस इज ऑल्सो ग्लास फिश। ये ऑर्नामेंटल फिशेज है, इनके बारे में उतना नहीं पढ़ना है आपको, इस वजह से इनके साइंटिफिक नेम उतने कुछ जरूरी नहीं है, बट जब जरूरत पड़ेगी लेक्चर्स में हमारे तब आपको इनके साइंटिफिक नेम्स भी बताए जाएंगे। दिस इज ऑल्सो द ग्लास फिश, इट इज कलर्ड वन। दिस आर ऑल्सो कलर्ड ग्लास फिशेस। नेक्स्ट इज स्वॉट टेल। व्हाई दे आर कॉल्ड स्वॉट टेल, एक्चुअली ये जो स्पीशीज है स्वॉट टेल वाली फिशेस की, तो इनमें एक्चुअली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं विच डिफरेंशिएट बिटवीन फीमेल एंड मेल। वैसे इनमें वैसा ही होता है, जो मेल्स को रहती है वो डोमिनेंट स्वॉट टेल रहती है इनमें। दिस वन इज ऑल्सो मेल, दिस वन इज ऑल्सो मेल। देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्वॉट टेल। और फीमेल्स में है वो डोमिनेंट ऐसी टेल नहीं रहती है स्वॉट जैसी। देयरफॉर स्वॉट टेल फिशेस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, दिस वन इज ऑल्सो ए स्वॉट टेल। नेक्स्ट वन इज गपी, साइंटिफिक नेम इज पॉइसिलिना लियाटिपिना। इन फिशेस को, गपी फिशेस को बहुत ज़्यादा मेडिकल हॉस्पिटल्स में या फिर पीएचसी में रखा जाता है। व्हाई दे आर फॉर, बिकॉज दे मोस्टली फीड्स ऑन द मॉस्किटो लार्वी, इसलिए इन्हें रखा जाता है। जो कूलर की जो टैंक्स रहती है वाटर टैंक्स, उनमें भी इन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो मॉस्किटोज जो है वो वहाँ पे नहीं होते, बिकॉज दे फीड्स ऑन द एग्स ऑफ मॉस्किटो या फिर लार्वी ऑफ मॉस्किटो। एज दे फीड्स ऑन लार्वी ऑफ मॉस्किटो देयरफॉर दे आर कॉल्ड लार्वी वोरस या लार्वी साइडल्स। दिस वन इज ऑल्सो ब्लैक गपी फिश। नेक्स्ट इज किसिंग गौरामी, दिस इज योर किसिंग गौरामी। दे आर कॉल्ड किसिंग गौरामी बिकॉज दे एक्चुअली किसेज इच अदर। सो नेक्स्ट इज जेब्रा फिश, इट्स साइंटिफिक नेम इज ब्रेसेरेनियोस डेनिरो। दिस वन इज ऑल्सो योर जेब्रा फिश। सो दैट वॉज अबाउट दिस लेक्चर। सो वॉट वी लर्न टूडे, वी लर्न अबाउट कैटफिशेज, सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने देखा कुछ ब्रैकिश वाटर फिशेज के एग्जाम्पल्स, उसके बाद मरीन वाटर फिशेज के, उसके बाद कुछ ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल फिशेस के एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो इसी के साथ हमारा आखिरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, एक्वेटिक वीड्स, फिश डिसीज एंड फिश प्रीडेटर्स। सो थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।